स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटेंट वेक्टर के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि हमारे सामने एक वेक्टर है या दो वेक्टर है या दो से ज़्यादा वेक्टर है, एक नहीं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर है, तो दो वेक्टर जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इफेक्ट का मतलब कि उसकी जितनी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे दो वेक्टर है वो किसी भी बॉडी पे कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, बस समझ आ रही है हमने क्या बताया। अगर दो वेक्टर किसी भी बॉडी पे जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इफेक्ट के ही बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के द्वारा लगने वाले इफेक्ट, जैसे मान लीजिए अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, 3 न्यूटन का और 4 न्यूटन का, बस में किसी बॉडी पे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम 3 और 4 न्यूटन को हटा के हम एक ही फोर्स लगा दें जो कि मतलब कि उसको बैलेंस कर दे, तो आप लोग के दिमाग में आया कि 3 और 4 7 होता है, 7 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वेक्टर होता है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर होता है उसका जो सम है वो एल्जेब्रिकली नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग रिलेटेंट को समझिए कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का अगर हम इफेक्ट एक वेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस कर सकें तो हम ऐसे वेक्टर को रिलेटेंट वेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि दो या दो से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए अगर फोर्स की बात कीजिए तो दो या दो से ज़्यादा किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को हम किसी एक फोर्स से इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि वो जो फोर्स है जो हम रिप्रेजेंट करें वो फोर्स उन दो या दो से ज़्यादा फोर्स के बराबर का इफेक्ट प्रोड्यूस करे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स लगता है तो हम एक ऐसा फोर्स लगा दें जो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के फोर्स के बराबर का इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, तो ऐसे वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेज द सेम इफेक्ट, एक सिंगल वेक्टर जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेज द सेम इफेक्ट That is produced by two or more vector is called resultant vector. ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि एक सिंगल वेक्टर जिसपे जो कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर की इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। स्टूडेंट इसके बाद इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है जो टॉपिक है, देखिए अब इसी के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आएंगे जिसमें है पहला एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। तो अगर वेक्टर के एडिशन के बारे में बात किया जाए, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर का जो एडिशन है वो जनरली नहीं होता है, एल्जेब्रिकली नहीं होता है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये लिख लीजिएगा कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज नॉट टेकन प्लेस एल्जेब्रिकली, एडिशन ऑफ वेक्टर आर नॉट टेकन प्लेस एल्जेब्रिकली। मतलब जो ये वेक्टर का एडिशन है ये एल्जेब्रिकली नहीं होता है। ठीक है, एल्जेब्रिकली का मतलब ये नहीं कि कोई कह दे आपको कि देखो F1 वेक्टर है उसका वैल्यू 4 न्यूटन है और F2 एक है जो कि 3 न्यूटन है, समझे, ये दोनों किसी बॉडी पे ऐसे लग रहे हैं, मतलब ऐसे, ठीक है, या ऐसे नहीं लग सकते तो ऐसे भी लग सकते हैं,
कि अगर कोई आपसे कह दे कि ऐसे लग रहे हो, और आपसे कोई कह दे कि टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो आप ये नहीं कर सकते कि इसका रिजल्टेंट जो है वो आपका 3 और 4 मतलब कि 7 न्यूटन हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, ये क्या है, ये गलत है। तो कहने का तरीका क्या है, तो कहने का तरीका अभी हम बताएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, एडिशन ऑफ वेक्टर इज नॉट आर नॉट टेकिंग प्लेस एल्जेब्रिकली, मतलब वेक्टर का एडिशन हाँ एल्जेब्रिकली नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वेक्टर का एडिशन एल्जेब्रिकली नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए आगे क्या बात है। पहला तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, ठीक है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देखो पहला पॉइंट है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा। तो जब एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे, अगर एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो आप इसको ऐड कर दोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको इससे ऐड कर दोगे, तो इसमें वो वाला कंडीशन फॉलो हो जाएगा कि एक को 3 न्यूटन का है, एक को 4 न्यूटन का है, दोनों को ऐड कर दिया तो 7 न्यूटन आ गया, ये वहाँ पर फॉलो कर जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर मतलब कि ये क्या करते हैं, अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब क्या होगा, एक में से दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका, जब या तो वेक्टर एक डायरेक्शन में वर्क करते हैं या तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, तब के लिए स्टूडेंट इसके बाद है कि अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है, और दोनों वेक्टर अलग अलग एंगल हैं, तब क्या करेंगे, तीसरा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, या फिर ब्रैकेट में कह लो एट एन एंगल, मतलब किसी एंगल पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में जैसे देखो, मान लो कि ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए एक तरीका अप्लाई किया जाता है, जिसका नाम है हेड टू टेल मेथड, हेड टू टेल मेथड, हेड टू टेल मेथड में क्या है, अगर हम लोग दो वेक्टर अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो, मतलब कि एक डिफरेंट एंगल पे वर्क करें, तो हेड टू टेल मेथड क्या है, हम क्या करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए देखो, हम वेक्टर मतलब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाएंगे, हम लोग एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाएंगे। तो मान लीजिए हमने वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से मिला दिया, फर्स्ट बी एट द हेड ऑफ वेक्टर ए, हेड ऑफ वन वेक्टर टू द टेल ऑफ अदर,
ठीक, मतलब मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और इसके हेड से हमने किसको मिला दिया, ये वेक्टर बी को। डायरेक्शन नहीं पता है, जैसे हमारा ये ए ऐसे था, ये ए ऐसे रहेगा, बी ऐसे है, बी ऐसे रहेगा, आपको डायरेक्शन नहीं बदलना है इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट वी एट द हेड ऑफ वन वेक्टर टू द टेल ऑफ अदर वेक्टर, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिला दीजिए, ठीक है। अब वी ड्रॉ अ न्यू वेक्टर, हम लोग क्या करेंगे, वी ड्रॉ अ न्यू वेक्टर हो गया ना, वी ड्रॉ अ न्यू वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ, नहीं फ्रॉम द हेड ऑफ, हेड ऑफ अदर वेक्टर चलिए, वी ड्रॉ अ न्यू वेक्टर फ्रॉम द टेल, एक मिनट सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया, फ्रॉम द टेल ऑफ इस, देखिए इसका रिजल्टेंट निकालना है तो हम इसके टेल से इसके हेड तक एक वेक्टर खींच लेंगे, फ्रॉम द टेल ऑफ वन वेक्टर टू द हेड ऑफ अदर वेक्टर। इसमें क्या हो गया, आप देखिए, अब यहां से हमने इसको खींच दिया ऐसे, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट। फिर से समझ लीजिए क्या है, अगर दो वेक्टर हैं, अगर ये दोनों वेक्टर एक बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, अलग डायरेक्शन है ये, एंगल है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग एक वेक्टर का, देखिए फर्स्ट वी एट द हेड ऑफ वन वेक्टर टू द टेल ऑफ अदर वेक्टर, हम लोग इसके वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन किए, ऐड किए, यहाँ पे ज्वाइन करिए, फर्स्ट वी ज्वाइन, वी ड्रॉ, अब क्या करेंगे, नाउ हम लोग इसके बाद वी ड्रॉ अ न्यू वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ वन वेक्टर, फर्स्ट टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर करिए कि पहले वेक्टर के टेल से हम लोग एक नया वेक्टर खींचेंगे दूसरे वेक्टर के हेड तक, तो जो हमारा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या है, रिजल्टेंट। तो ये है आपका हेड टू टेल मेथड, वीडियो एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो हमारे बनाने का मतलब आपको देखना नहीं है, इसका नोट्स बनाना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।